अस्सलाम वालेकुम, मैं दिलकश निगार आपको अपने चैनल दिलकश ब्यूटी में खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल खैरियत से होंगे। चेहरे पर मौजूद गैर जरूरी बाल और हुआ बहुत बदनुमा दिखाई देते हैं, इसलिए आज मैं आपको चेहरे पर मौजूद गैर जरूरी बाल खत्म करने की एक आजमूदा होम रेमेडी के बारे में बताऊंगी। न वैक्स और न थ्रेडिंग, सिर्फ 15 रुपए में चेहरे के गैर जरूरी बाल खत्म करें। इससे पहले कि मैं आपको इस अमेजिंग हेयर रिमूविंग होम रेमेडी के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊं, आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, नीचे लगे रेड सब्सक्राइब बटन को दबा दें और इसके साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी डेली न्यू वीडियो सबसे पहले मिल सके। और इस हेयर रिमूविंग होम रेमेडी को तैयार करने के लिए हमें जिन अज्जा की जरूरत है उनमें शामिल है, आपने लेना है अरके गुलाब, आपने लेनी है फटकरी और आपने लेना है मैदा। इस बेस्ट हेयर रिमूविंग होम रेमेडी को बनाने का तरीका ये है कि आप शीशे या प्लास्टिक की एक साफ प्याली ले लें और इसमें आप एक चम्मच मैदा डालें। मैदा आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप से इजीली मिल जाएगा। ये एक चम्मच मैदा मैं प्याली में डाल रही हूं। मैदे में ऐसे हैरत अंगेज अज्जा पाए जाते हैं जो चेहरे से गैर जरूरी बालों का सफाया करती हैं। इसके अलावा मैदा आपकी स्किन को नरिश भी करेगा। और अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई फटकरी। फटकरी को ग्राइंडर में डालकर मैंने ग्राइंड कर लिया था, इसका पाउडर बन गया। आपने पिसी हुई फटकरी का तकरीबन एक छोटा चम्मच प्याली में डालना है। फटकरी चेहरे पर मौजूद गैर जरूरी बालों की जड़ों को कमजोर करके इन्हें जड़ से खत्म करती है। और अब लास्ट में इसमें इतना अरके गुलाब मिलाएं कि ये एक गाढ़ा सा आमेजा बन जाए। मैं इसमें तकरीबन 1 से 2 चम्मच अरके गुलाब के डाल रही हूं। अरके गुलाब एक बेस्ट कुदरती क्लींजर है। ये आपकी जिल्द की गहराई से सफाई करेगा, स्किन सॉफ्ट और स्मूथ भी बनाएगा। बहुत ही अच्छा नेचुरल इंग्रेडिएंट है स्किन को नरिश करने के लिए। और अब चम्मच की मदद से ये तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करें ताकि ये एक थिक पेस्ट बन जाए। ये देखिए, मैंने इन तमाम अज्जा को चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और हमारी अमेजिंग हेयर रिमूविंग क्रीम अब तैयार है। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि आप अपने चेहरे पर मौजूद गैर जरूरी बालों पर इस क्रीम का लेप कर दें। आधे घंटे बाद जब ये क्रीम खुश्क हो जाए तो हथेली से रगड़ रगड़ कर उतार दें और कुछ देर बाद अपना चेहरा सादा पानी से धो लें, लेकिन इसके बाद आपने साबुन यूज नहीं करना। चेहरे पर मौजूद गैर जरूरी बालों से परेशान खवातीन और लड़कियां ये होम रेमेडी हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर यूज करें। इंशाल्लाह ताला कुछ बार यूज करने से ही आपका चेहरा गैर जरूरी बालों से बिल्कुल पाक साफ हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और अपने तमाम फ्रेंड्स, जानने वालों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।